प्यारे भाई और बहनों, हम आमद के अयाम में से गुज़र रहे हैं। आमद के अयाम उम्मीद और इंतज़ार के अयाम हैं। ये तोबा और तब्दीली के अयाम हैं। तैयारी का लफ्ज़ अपने अंदर एक बड़ा पुरजोश जज्बा रखता है। तैयारी के लिए बेदारी बुनियादी शर्त है, और जब इंसान बेदार होता है तो उसके अंदर पहले से ज्यादा कुव्वत आ जाती है, पहले से बेहतर कारकर्दगी दिखाने लगता है और काम करने की रफ्तार भी बढ़ जाती है। यूहन्ना इस्तबागी मसीह की आमद के हवाले से सबसे अहम शख्सियत है जो कि मसीह का पेश रौ है, जो खुदावंद यीशु मसीह की तैयारी करवाने के लिए भेजा गया था। ये खुदावंद यीशु मसीह से 6 माह बड़ा था। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना इस्तबागी है। इसका जिक्र हमें मत्ती की अंजील के 11वें बाब की 11वीं आयत में मिलता है। यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह की आमद की तैयारी, उसकी राह को तैयार करने और उसकी शाहराह को सीधा बनाने के जरिए से करवाता है। वो तोबा की मुनादी करता है, और तोबा तब्दीली का पेशे खैमा है। तोबा के जरिए ही हम खुदा के साथ दोबारा से अपना मलाप कर सकते हैं। आमद के दूसरे अतवार की तलावतों का मरकजी ख्याल खुदावंद की राह को तैयार करना और उसकी शाहराह को सीधा बनाना है। आज हम देखेंगे कि हम इस शाहराह को सीधा बनाने में आज के दौर में कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आमद के दूसरे अतवार के मौका पर खुदावंद के कलामे अकदस में से हम लूका की अंजील के 3 बाब की 6 आयात लेते हैं। आज मैं आपके सामने 4-6 आयत पर बात करना चाहूंगा। यहां यूं लिखा है, पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, जैसा इशाया के अकवालनामा में लिखा है कि पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो रास्ता नाहवार है वो सीधा बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। आज की अंजील मुकद्दस 2 हिस्सों में मुनकसिम है। पहले हिस्से में वादिये कनान की सियासी क़ियादत का तज़किरा है, जबकि दूसरे हिस्सा में यूहन्ना इस्तबागी के तोबा के बपतिस्मा की मनादी का जिक्र है। किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद की राह को तैयार करता और उसकी शाहराह को सीधा बनाता है। यूहन्ना इस्तबागी इशाया नबी की पेशनगोई को पूरा करता है, और हमें भी दावत देता है कि हम भी राह को तैयार करने में उसकी मुआवनत करें और उसके हमकार बन जाएं और उसके हम खिदमत बन जाएं। जब यूहन्ना इस्तबागी मंजरे आम पर आया तो वो वक्त इसराइल के लिए स्या रात की मानंद था। बनी इसराइल पर रोमी हुक्मरानी करते थे। मलाकी नबी की आमद से 400 साल बाद की खामोशी यूहन्ना इस्तबागी की आमद से टूटी। वो बनी इसराइल में भरपा हुआ ताकि
खुदा की राह को तैयार करें, मसीहा की आमद की खुशखबरी लोगों को सुनाए। यूहन्ना के नाम का मतलब है खुदा का फजल या खुदा का रहम। यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी के दो मकासद थे, लोगों को तोबा के लिए तैयार करना और मसीह खुदावंद की आमद के लिए राह को तैयार करना। खुदा का हाथ यूहन्ना पर था, वो इलाही खूबियों और सफात से मुजयन था, वो नासरत का रहायशी और लावियों के कबीला में से था। उसने अपनी सारी जिंदगी में ना तो कोई मौजजा दिखाया और ना ही कोई निशान जाहिर किया, लेकिन इसके बावजूद लोग जोकदार जोक उसकी तरफ चले आते थे, क्योंकि उसने अपनी मनादी से लोगों के जमीर को झंझोड़ दिया था। उसने एक माहर तबीब की तरह लोगों की नब्ज पर हाथ रखकर असल बीमारी को भांप लिया था। उस बीमारी का असल हल तोबा में मुजमिर था। लोग बड़ी तादाद में बियाबान का रुख करते और दरियाए उर्दन के किनारे आकर दरियाए उर्दन में यूहन्ना से तोबा का बपतिस्मा लेते थे। तमाम यहूदिया में यूहन्ना इस्तबागी ने बाकमाल अंदाज में अपनी मनादी से लोगों में शाऊर पैदा किया। लावियों के बेटों की तरह ना तो उसने हैकल में रहकर कहनाना तरबियत हासिल की और ना ही किसी यहूदी रब्बी की शागिर्दी इख्तियार की, लेकिन फिर भी लोग उसकी मनादी की तरफ उमड़े आते थे, क्योंकि वो खुदा की तरफ से माबूस होकर आया था। उसकी आवाज में कुव्वत थी, वो इलियास नबी की तरह दलेर शख्स था। उसने हाकमे वक्त की आंखों में आंखें डालकर हक की गवाही दी, किसी मोड़ पर भी हाकमे वक्त से समझौता नहीं किया। उसने लोगों की खुशनुदी को बालाए ताक रखते हुए हक का पैगाम दिया, और हम जानते हैं कि इस हक की गवाही की वजह से ही उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। दरियाए उर्दन का किनारा उसका मंबर था और बियाबान उसका घर था, जहां वो रहता था, टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और ऊंट के बालों का लिबास पहनता था। यूहन्ना खुदावंद की राह को तैयार करने की मुनादी करता रहा। खुदावंद की राह को तैयार करने से क्या मुराद है? राह से मुराद है गुजरगाह, आमदोरफ्त का रास्ता, किसी तक रसाई का जरिया, या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की राह गुजर। खुदा की राह जिंदगी की राह है, जिसे यूहन्ना इस्तबागी तैयार करने की बात कर रहा है। खुदा तक पहुंचने के लिए सही सम्मत और दुरुस्त रास्ते पर होना जरूरी है। बहुत से लोग जिंदगी के ऐसे दोराहे या ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जिनके लिए जिंदगी की सही राह का तयन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राह दुरुस्त भी हो सकती है और राह गलत भी हो सकती है। दुरुस्त राह ही खुदा की तरफ लेकर जा सकती है। राह खुदा की भी हो सकती है, राह शैतान की भी हो सकती है। जो राह खुदा की तरफ लेकर जाती है वो सदाकत की राह है, और जो मंजिल से दूर ले जाती है वो झूठ और फरेब की राह है। खुदा की राह जो कि दुरुस्त राह है, यही खुदा के लोगों की राह है, यही अंबिया की राह है, यही मुबशरीन की राह है, और यही खुदा के पैरोकारों की राह है। यही राह दुरुस्त, सम्मत और सही मंजिल की तरफ लेकर जाती है।
यही राह फरोतने की राह है, सदाकत की राह है, खुशी की राह है, रोशनी की राह है, अकलमंदी की राह है और जिंदगी की राह है। जबकि शैतान की राह झूठ, नफरत, हसद, अंधेरे, गुरूर, गुस्से और गुनाह की राह है। इस राह पर उठाया जाने वाला हर कदम मंजिल से दूर ले जाता है। ये राह शरीरों की राह है। खुदावंद की राह को तैयार करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हर दौर में खुदा अपने चुनीदा लोगों को अता करता है। ये एक मिशन है जो ना सिर्फ यूहन्ना इस्तबागी को मिला बल्कि हर एक मसीही को भी बपतिस्मा के जरिए से सौंपा जाता है। खुदावंद की राह को तैयार करना एक मिशन है, एक खिदमत है जिसके लिए एक जज्बा चाहिए, नेक नियति चाहिए, वफादारी चाहिए, फराख दिली चाहिए और मोहब्बत चाहिए, ईमान की मजबूती चाहिए। इसके लिए बहुत से नेक दिल इंसानों की जरूरत है। इसके लिए एक टास्क फोर्स चाहिए जो मुनज्जम होकर और दूसरे लोगों को साथ मिलाकर सच्चे जज्बे और उजली सोच के साथ हमारे मुआशरे में पाए जाने वाली ना हमवारियों को हमवार कर सकें। हमारे समाज में नशेब व फराज हैं, ना हमवारियां हैं, नफरतें हैं, बेहिसी का आलम है, बेहिसी का आलम है, तकसीम दर तकसीम का अमल है, एक दूसरे से नाराजगियां हैं, दूरियां हैं। यूहन्ना की मनादी हमें अपना जायजा लेने पर आमादा करती है। ये हमें शख्सी तोबा और तब्दीली के लिए तैयार करती है। ये तोबा अंदरूनी तब्दीली का बैरूनी इजहार है। ये महज खाली नारों, वक्ती फैसलों और जबानी इकरार से मुमकिन नहीं बल्कि गहरी मजबूत अंदरूनी तब्दीली से मुमकिन है। यूहन्ना इस्तबागी नफरत के पहाड़ों को पस्त करने, ना इंसाफी की चट्टानों को हमवार करने, खुदगर्जी की घाटियों को पुर करने और जुल्म के खिलाफ आवाज हक बुलंद करने की बात करता है। चंद दिन पहले मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिला और उससे मैंने किसी शख्स के बारे में पूछा। उससे मैंने किसी शख्स की खैरियत दरियाफ्त की तो उसने कहा, फादर मैंने तो उसका नंबर काफ़ी देर से ब्लॉक कर दिया। आज के दौर में खुदावंद की शाहराह को सीधा बनाना और उसकी राह को तैयार करना अपने मोबाइलों में ब्लॉक किए गए नंबर्स को दोबारा से ओपन करने की ज़रूरत पर जोर देता है। अगर हम अपने मुआशरे पे नज़र दौड़ाएं तो ज़्यादातर सड़कें आपको टूटी हुई नज़र आएंगी और मैं समझता हूँ कि ये टूटी हुई सड़कें इंसान की अंदरूनी कैफियत का बैरूनी मंज़र पेश कर रही। आज अगर एक ख़ानदान में चार अफराद हैं तो उनके पास चार ही मोबाइल हैं। हर एक शख्स अपने अपने कोने में बैठा मोबाइल पर बड़े दूर फासले पर बैठे हुए लोगों के साथ तो जुड़ा हुआ है लेकिन शायद अपने ख़ानदान में रहने वाले अफराद से रूठा हुआ है। ख़ानदानों में सुलह करवाने से, मुआशरे में अमन लाने से और बिखरे हुओं को इकट्ठा करने से हम खुदावंद की शाहराह को अमली तौर पर तैयार करने का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वाकई हम
मसीहा की आमद के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आइए यूहन्ना इस्तबागी की तरह खुदावंद की राहों को सीधा बनाने में अपना किरदार अदा करें। इसी तरह से हम आमद की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।